चलिए आज बनाते हैं कस्टर्ड केक, वो भी एगलेस और बिना ओवन के। ये केक बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो आसानी से घर में मिल जाएंगे, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए, घर में आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं और शुरू करते हैं कस्टर्ड बनाने से। यहाँ पर मैं वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ। मैंने 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया, वनीला कस्टर्ड पाउडर, और उसके अंदर 1/2 कप दूध डाला। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है या फिर आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते टाइम ध्यान रखिएगा कि कोई भी लम्स ना बचे। और ये अब कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया और उसके अंदर 2 कप दूध डाला। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देते हैं जो अभी अभी हमने बनाया था, और दूध के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने गैस ऑन कर ली मीडियम आंच पर, और इसके अंदर 1/4 कप चीनी डाल दी। अब इसको गर्म होने देते हैं। 4 से 5 मिनट तक इसे इसी तरह से पकाना है, और साथ के साथ इसको हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। कस्टर्ड काफ़ी थिक हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि इसको हिलाना ना छोड़ें। और 4 से 5 मिनट में ये बनके तैयार है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। काफ़ी थिक कस्टर्ड बन चुका है, और ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। बोल में निकालने के बाद मैंने इसको फिर से थोड़ा सा विस्क की मदद से हिलाया ताकि इसमें लम्स ना बने, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे एगलेस कस्टर्ड केक। सबसे पहले मैंने एक छन्नी ली और उसके अंदर 1 कप मैदा डाला। केक बनाते वक्त हमेशा मैदा छानकर यूज़ करें। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और 1/2 कप पाउडर्ड शुगर, और 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, सेम फ्लेवर का, वनीला फ्लेवर का। अब हम इसको अच्छे से छान लेते हैं, और अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप दूध, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केक के बैटर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। और अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच दूध और डाला क्योंकि मुझे बैटर थिक लग रहा था। इसी कंसिस्टेंसी चेक करके ही दूध डालें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसे मिक्स करने से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होती है और केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास की डिश ली है, ये माइक्रोवेव सेफ बोल है। इसको ऑयल से ग्रीस किया, और अब इसके अंदर हम बैटर डाल देंगे। पूरा बैटर अच्छे से डाल दें इसके अंदर। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इतना ही थिक होना चाहिए। और अब इसको 1-2 बार टैप कर लेते हैं, थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि बैटर इक्वली चारों तरफ आ जाए। अब हम बेकिंग करेंगे कढ़ाई के अंदर। मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी, उसके अंदर एक स्टैंड रखा, लिड लगा के इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने दिया। और 10 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर अपनी बेकिंग डिश डालेंगे और मीडियम आंच पर इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। और 25 मिनट के बाद केक परफेक्टली बेक हो चुका है। आप इसे चेक कर सकते हैं किसी नाइफ की मदद से। अब मैंने केक बाहर निकाल लिया, और नाइफ की मदद से मैं इसको साइड्स में से निकालूंगी। अब मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रखी और इसको उल्टा कर दिया। और अब हमारा केक बाहर आ गया है। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी दिख रहा है, एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। अब हम इस केक को ठंडा होने देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे दोबारा से उसी डिश में डाल देंगे। उसके बाद मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में से निकाला, ये अभी एक जेली की तरह है,
अब हम इसे स्मूथ बना लेंगे, इसलिए विस्क की मदद से इसे 3 से 4 मिनट तक विस्क करेंगे। तो देखिए कस्टर्ड स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे केक के ऊपर डाल देंगे। हमने केक को बाहर निकाल के ठंडा किया था और उसके बाद दोबारा से उसी बेकिंग डिश में इसलिए डाला ताकि बाद में जब आप इसके पीसेस कट करेंगे तो वो आसानी से बाहर निकल आए। अगर आप इसे निकाल के नहीं डालेंगे तो पीसेस कट करने में दिक्कत होगी। कस्टर्ड को अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं यहाँ पे वाइट चोको चिप्स डाल रही हूँ गार्निश के लिए। और अब आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना हो इसे कट करके सर्व करें। तो चलिए देखते हैं किस कैसा बना है केक। ये देखिए केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। चलिए इसे खा के देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।